हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इस समय क्या चल रहा है इसके बारे में न्यूज़ दूंगा। और दोस्तों बहुत दिनों से न्यूज़ नहीं आ रहा था इसलिए वीडियो नहीं डाला था, लेकिन फाइनली दोस्तों अब न्यूज आ गया है। अगर आप सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई इन सभी देशों में रहते हैं और आपका भी सपना है कि आप कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरें या फिर कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरें, तो आपका जो सपना है वो बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। दोस्तों बता दें कि कुशीनगर और आसपास के जितने भी पड़ोसी जिला हैं, चाहे वो गोपालगंज हो गया, महराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, इधर के बहुत सारे लोग कमाने के उद्देश्य से सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई इन सभी देशों में गए हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरें, क्योंकि उन लोगों को जब भी जाना होता है तो या फिर वो लखनऊ जाते हैं या फिर दिल्ली जाते हैं। लेकिन अगर कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से डायरेक्ट सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई के लिए उड़ान होती है तो वो लोग सीधे कुशीनगर एयरपोर्ट पर आ जाएंगे। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कि हमारे वीडियो को आप लोग किस देश से देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग भाई लोग कमेंट करके बताए थे कि हम सऊदी से देख रहे हैं, कोई भाई कतर, ओमान, दुबई, सभी लोग बताए थे। तो अभी तक आपने भी नहीं बताया तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आप कहाँ से इंतजार कर रहे हैं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुरू होने का। दोस्तों इस टाइम मैं बात करें कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर क्या चल रहा है, तो दोस्तों बता दें कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लिए सिर्फ अभी नई दिल्ली के लिए उड़ानें हो रही हैं। नई दिल्ली से कुशीनगर एक फ्लाइट आती है स्पाइसजेट की, वहाँ से यात्रियों को लेकर आती है और फिर यहाँ से यात्रियों को लेकर दिल्ली चली जाती है। उसके बाद से दोस्तों बात करें तो अभी ये एक साल से यही सिलसिला चल रहा है और बीच में कई सारे ऐसे न्यूज़ भी आए थे कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सऊदी से जुड़ने वाला है, कुवैत से जुड़ने वाला है, बुद्धिस्ट कंट्री से जुड़ने वाला है, लेकिन अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन दोस्तों फाइनली बता दें कि कुशीनगर के पटरौना के जो मेन जो भाजपा के विधायक हैं, आप कह सकते हैं आरपीएन सिंह जो हैं, कुंवर आरपीएन सिंह, वो हैं, पहले वो कांग्रेस में थे लेकिन अब भाजपा में आ गए हैं। उनसे जब गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर जी ने पूछा कि ये बताइए कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कब तक उड़ानें होंगी अंतर्राष्ट्रीय, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होंगी और बहुत सारे लोग इधर कमाने के उद्देश्य से सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई में गए हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी एक अच्छा सा सुविधा मिलेगा। और दोस्तों उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो ये नहीं, उन्होंने टाइम नहीं बताया कि इस महीने में होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होंगी। तो अगर आप भी सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई में हैं तो आप भी थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा सब्र करिए, बहुत ही जल्द कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इन सभी अरबियन कंट्री के साथ और साथ में बुद्धिस्ट कंट्री के साथ जुड़ने वाला है। बाकी इसके बारे में जो भी कुछ नया अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा।